मैं ये बोल रही है अभी खाना खा लूँ, फिर शाम तक चलना है लड़की को लेके हॉस्पिटल जाना, उसके उसके इंजेक्शन लगवाना है और थोड़े बाल भी कट कराने हैं और उसके नेल्स भी बड़े हो गए, नाखून बड़े हो गए बहुत सारे, तो वो कटवाएंगे अभी। लो भाई अपन भी खाना वाना खा के एकदम चपटा नहीं दे रहे, और भाई भी फूल सो है अभी नींद में, उसको पता नहीं 5 बजे इसके पीछे इंजेक्शन लगने वाला है। हेलो भाई, तो ये अनुज भैया का पर्चा है, मैं जब सुबह सोया था तब काट लिया था अनुज भैया को, लेकिन इनके इंजेक्शन लगवा के आया, तो इनके 4 इंजेक्शन और बाकी है, डेट दे रखी है अभी क्या, ब्लैक पे लेके जा रहे हैं अपन इंजेक्शन लगवाने। ईट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, अनुज भैया बदला ले रहे हैं इससे बेचारा। क्यूट बेबी, क्यूट बेबी, दो भाई निकल गए हम लगी को उसके क्लिनिक पे जा रहे हैं, मैं मम्मी और अनुज भैया तीनों, अब इसके कारण पे लगेगी सुई। ब्लैकी को लेके गया था क्लिनिक पे, वहाँ पे जो डॉक्टर है उसने इतनी गलत बात करी, ऋतिक भैया को पूछो क्या बोला उसने, क्या बोला ऋतिक भैया? हाँ भाई, तो उसने बोला कि जैसे हम ब्लैकों को अंदर लेके गए तो उसको बोला गया कि बाल कटिंग करवाना, तो जीरो मशीन लेके आया था, तो जिगर ने पूछा कि जीरो मशीन है क्या है, तो उसने बोला हाँ, तो हमारे जीरो मशीन तो जीरो तो करवाने थे बाल उसके, बस हल्के से थोड़े बाल ऊपर के जो थे वो थोड़े से कटवाने थे, ज़्यादा कुछ नहीं करवाना था, और उसके नेल्स वगैरह कटवाने थे, तो मैंने उस भाई साहब को बोला कि नेल्स काट दो और उसके जो पंजे पे जो बाहर निकला वो थोड़े थोड़े वो काट लो, मुझे जीरो मशीन नहीं करवाना। तो उस भाई साहब का डायरेक्ट आंसर क्या था पता, निकलो यहाँ से, किस क्या था मैं कैसे उतारते हैं वो आप इस ब्लॉग में देखा। अगर हम दोनों होते तो आपके वर्डिंग है ना भैया, आपने कॉल पे क्या बोला था, डॉग पैरालाइज है हमारा हो जाएगा काम, और मैंने आते ही आपको यही बोला पैरालाइज है वो बैठ उसके बैठने के लिए भी जगह चाहिए, आपने बोला है मैं व्यवस्था करके आया, तो हम सब व्यवस्था करके आए स्पेस था, हम आए स्पेस था, और मैंने क्या बोला कर लेकिन बस मैं पैरालाइज है उसको नींद रहा जाता, आप जल्दी से कर दो, आपने आपकी सिचुएशन हमको नहीं बताई थी, मुझे भी नहीं पता थी, और जो आपने वर्डिंग बोला चल निकल, और एक बार नहीं आपने 5 से 6 बार बोला, अब यार आपको लग रहा है कि मैंने 5 से 6 बार बोला, अरे बोला ही है नहीं ना, बोला है आगे की वीडियो आप इतना देख लेना, खुद ही इसने क्या बोला और हमने क्या बोला, क्या बातचीत लग रही है, बोलेगा कोई चल निकल अरे कल वो खुद आएगा, कल वो खुद तेरे बाल काट के इंजेक्शन लगा के खुद जाएगा वो।
टाइम लगता है। उसने खुद ने बोला है कल मैं खुद आऊँगा भैया, मेरे से गलती होगी, मैं कल खुद ट्रीटमेंट करूँगा उसका आके घर पे, उसका खुद के हेयर कट करके जाएगा कल और नेल्स कट करेगा, इंजेक्शन लगाएगा रेबीज का। तो भाई उसी के साथ अपन ब्लॉग आज का इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगाओ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना।